आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये घटना 2008 की है, जब मैं तेलंगाना प्रदेश में घर बांधने का काम करता था। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव का रहने वाला हूं, जो भोकर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं मेरे मौसा के साथ तेलंगाना में काम करता था और एक महीना उधर रहकर अपने घर आता था। एक दिन मैं और मेरे साथ काम करने वाले भोकर के मिस्त्री और लड़के रंगाशिवनी गांव में काम करके अपने अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में भैंसा पड़ता है, वहां कमला थिएटर में हमने फिल्म देखी और शाम के 3 बज गए थे। वहां से भोकर कम से कम 40 या 45 किलोमीटर की दूरी पर है। उन दिनों गाड़ियां भी ज्यादा आती जाती नहीं थी। भोकर में पहुंचते पहुंचते शाम के 7 बज गए थे। मेरे साथ वाले सब भोकर के ही थे, तो वो सब उतर के चले गए अपने अपने घर। मैं मेरे गांव की गाड़ियां ढूंढ रहा था, पर एक भी नहीं थी। सब गाड़ियां उस दिन जल्दी ही गई होंगी शायद। मैं बड़ी सोच में पड़ गया। तभी मुझे याद आया कि मैं मेरे बहन के गांव चला जाता हूँ। मेरे बहन का गांव तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाउंड्री पे आता है। लगड़ुत रावण गांव के नाम से रात में जाने वाली वो आखिरी बस थी, जो रावण गांव तक जाती थी। दोनों गांव का अंतर यही कुछ 2 किलोमीटर ही होगा। दोनों गांव के बीच में एक बड़ी नदी है और उसके ऊपर से ब्रिज है। लोग उस ब्रिज के ऊपर से आना जाना करते थे, और धूप काले में पानी नहीं रहता तो नीचे से जाते आते थे। रात में मैं बहुत बार गया भी था। मैं जब भी गया तब हर बार बहुत से लोग होते थे, आज भी होंगे, यही सोचकर मैं उस बस में चढ़ा। बस रावणगांव पहुंचने में रात के यही कहीं 9:30 बजे होंगे। मैं उतर कर देखने लगा कि कोई तो है क्या लगड़ुत जाने वाला। मैं उसके साथ चला जाता हूँ। मैंने बहुत जनों को पूछा, पर कोई नहीं था। मैं अकेला उस अंधेरी रात और सुनसान रास्ते की तरफ देख रहा था। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि दोनों गांव के मरे हुए लोग उसी रास्ते के आजू बाजू नदी के उस पार और इस पार दफनाया करते थे। रास्ते के दोनों बाजू में झाड़ियां आदि बहुत सारी उग चुकी थी और काफी अंधेरा था। गांव के बाहर निकलते ही मेंढकों की आवाज से बड़ा डर लग रहा था। मैं आजू बाजू बिना देखे बस लगड़ुत के रास्ते से चला जा रहा था। मैं थोड़ा ही आगे गया होगा कि मेरे सामने एक औरत उसके छोटे बच्चे को गोद में लेकर लगड़ुत की ओर चली जा रही थी। वो मेरे से थोड़ी ही दूरी पर होंगी। उसको देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। मुझे लगा वो भी लगड़ुत की ही होंगी। मैं भी उसके साथ चला जाता हूँ। वो औरत बड़ी ही तेज चल रही थी। रास्ते की झाड़ी में से रात के कीड़ों और मेंढकों की आवाजें बड़ी ही तेज आ रही थी। मैं उस औरत के पीछे पीछे चल रहा था। वो पलट के नहीं देख रही थी। मैं आवाज लगा रहा था, पर वो औरत बिना बोले अंधेरे में लगड़ुत के ओर जा रही थी। अब चल चल कर मैं थक गया था। वो उस बीच वाली नदी के पास पहुंच गई थी और मैं थोड़ा पीछे था। अचानक मेरे पैर में कुछ अटक गया। मैं पीछे मुड़ के देखा, तब तक वो औरत पता नहीं कहाँ गई। मैं भागते भागते ब्रिज के पास गया और देखने लगा आसपास, पर वो नहीं दिख रही थी। तभी मेरी नज़र बाजू वाली झाड़ियों में एक बड़े पेड़ पे गई और मानो मेरी धड़कनें रुक गई। मैंने देखा वही औरत बच्चे को गोद में लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। तभी उसने एक शैतानी हंसी के साथ मेरे तरफ देखा, मानो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत बड़ी भयानक लग रही थी।
और बच्चा गोद में से मेरे तरफ देख रहा था। उसके आंखें लाल दिख रही थी। तभी मैं भागने के लिए जैसे ही मुड़ा, तभी उस बच्चे ने रोना चालू किया। मैं गांव के तरफ चिल्लाते भाग रहा था, एक बार भी पीछे नहीं देखा। मैं जब भाग रहा था तब मेरे पीछे वो औरत भाग रही थी। जैसे ही मैं उस गांव में घुसा, शायद वो गांव के अंदर नहीं आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं उस दिन बच गया। उसके बाद से मैं कभी भी रात में नहीं गया और जाऊंगा भी नहीं। कभी कभार जाता हूँ तो उस तरफ नहीं जाता। मैं उस घटना को याद भी करता हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके अपने इसके द हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।